इस चुनाव की एक और हॉट सीट जिसकी बहुत चर्चा है वो है हैदराबाद की सीट। वही हैदराबाद जो ओवैसी का गढ़ है, जिसे हर चुनाव में मान लिया जाता था कि यहां तो ओवैसी ही जीत रहे हैं, लेकिन इस बार ओवैसी के लिए मामला उतना आसान नहीं है जितना पिछले चुनावों में हुआ करता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि ओवैसी के सामने बीजेपी ने एक मजबूत कैंडिडेट उतारा और अब कांग्रेस ने भी हैदराबाद में अपने पत्ते खोल दिए। कांग्रेस ने हैदराबाद में मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को कैंडिडेट घोषित कर दिया। यानी अगर आप देखें तो हैदराबाद में इस बार असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस माधवी लता वर्सेस कांग्रेस के मोहम्मद वलीउल्लाह समीर का मुकाबला होने जा रहा है। यानी दो मुसलमान कैंडिडेट और बीच में माधवी लता बीजेपी की हिंदू कैंडिडेट। ऐसे में पहले यह कहा जा रहा था कि हैदराबाद में ओवैसी के सामने इस बार कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं देगी, लेकिन कल कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया और इससे हैदराबाद का चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया। हैदराबाद में चौथे चरण के दौरान 13 मई को मतदान होगा और अभी से जो माहौल बनना शुरू हुआ है उससे सबसे ज्यादा टेंशन असदुद्दीन ओवैसी को ही हो रही होगी। दरअसल हैदराबाद के चुनावी मुकाबले में नया ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस ने तेलंगाना की 3 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया। हैदराबाद से मोहम्मद वलीउल्लाह समीर का नाम था इसमें, तो पहले लग रहा था कि भाई हैदराबाद से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को कांग्रेस टिकट दे सकती है। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का भी नाम चर्चा में चल रहा था कि हो सकता है सानिया मिर्जा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए, लेकिन आखिर में कांग्रेस ने हैदराबाद के स्थानीय नेता वलीउल्लाह समीर को टिकट दे दिया। वलीउल्लाह समीर हैदराबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन भी है। कांग्रेस ने हैदराबाद सीट से कैंडिडेट के तौर पर वलीउल्लाह समीर के नाम का ऐलान 24 अप्रैल यानी कल किया, लेकिन वलीउल्लाह समीर उसके एक दिन पहले ही 23 अप्रैल को ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे। खबरें यह भी हैं कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने वलीउल्लाह से नामांकन भरने के लिए कहा था। खैर सच जो भी हो, अब हैदराबाद में तीनों प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन आपको बताता हूं कि हैदराबाद में कांग्रेस कैंडिडेट के आने से ओवैसी की मुश्किल क्यों बढ़ गई और कितनी बढ़ गई। दरअसल कांग्रेस ने हैदराबाद के स्थानीय मुस्लिम नेता को टिकट दिया है, तो भाई स्थानीय है तो उसकी भी अपनी पहचान होगी, पकड़ होगी। हैदराबाद मुस्लिम बहुल सीट है और कांग्रेस भी मुस्लिम वोट पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस की तरह हैदराबाद में बीआरएस का भी कोर वोटर मुसलमान है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से ओवैसी की परेशानी बढ़ सकती है, माधवी लता को फायदा हो सकता है। मुस्लिम वोट अगर बटा तो हैदराबाद में कुछ हैरान करने वाला नतीजा भी आ सकता है, क्योंकि हैदराबाद सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या निर्णायक है। अगर मैं आपको हैदराबाद सीट का समीकरण बताऊं जहां से ओवैसी लड़ते हैं, आप देखिए वहां मुसलमान वोट कितना बड़ा फैक्टर है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हैदराबाद में AIMIM का वोट शेयर में गिरावट आई है और यह गिरावट छोटी मोटी नहीं है। पिछले 5 साल में 16% वोट शेयर गिरा है। 2019 लोकसभा चुनाव में AIMIM को 59% वोट मिले थे, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में 43% यानी 16% का वोट शेयर गिर गया। हैदराबाद में ओवैसी की परेशानी की और भी वजह है, क्योंकि कांग्रेस और KCR की पार्टी BRS के साथ BSP भी मैदान में है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और BRS को मिलाकर लगभग 13% वोट आए थे। 2023 विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस हैदराबाद में मजबूत हुई है। इस बार BRS और BSP का गठबंधन है और हैदराबाद सीट BSP के हिस्से में आई है। जितने ज्यादा वोट BRS प्लस BSP को मिलेंगे कांग्रेस को मिलेंगे, उतना ही नुकसान ओवैसी को होगा। इसके अलावा हैदराबाद में करीब 48% महिला वोटर्स भी हैं। 3 तलाक का मुद्दा उठाकर माधवी लता मुस्लिम महिलाओं में लोकप्रिय हो चुकी है। यानी BRS, BSP और कांग्रेस ओवैसी को वोट बैंक पर सेंध लगाएंगे, इसका सीधा नुकसान ओवैसी को होगा। इसलिए ओवैसी की राह इस बार आसान नहीं दिख रही। इतना ही नहीं, आपको याद होगा 5.5 लाख के करीब जो फर्जी वोट हटाए गए, वो भी तो गिनिए, वो भी तो गायब हो गए। इसी टेंशन में ओवैसी ने हैदराबाद सीट पर अपने साथ अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का भी नामांकन दाखिल करवा दिया। ये तस्वीर देखिए, असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ने हैदराबाद सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है। ओवैसी को टेंशन इस बात की है कि कहीं उनका नामांकन रद्द ना हो जाए या फिर कोई और बात ना हो जाए, इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी से भी नामांकन भरवा दिया कि कहीं मेरा गलती से नामांकन खारिज हुआ तो तुम लड़ लेना भाई। इससे हैदराबाद की सीट AIMIM के कब्जे से निकलने ना पाए, ये प्रयास हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में हैदराबाद के हालात पहले वाले नहीं है, क्योंकि इस बार समीकरण पहले जैसे नहीं है, ये बात ओवैसी जानते हैं। और इस बार एक एक वोट की कीमत है, क्योंकि हैदराबाद जिले की वोटर लिस्ट से 5,41,000 वोटर फर्जी वोटर हटा दिए गए।
इनमें से कुछ का निधन हो गया, कुछ दूसरी जगह चले गए और बाकी फर्जी वोटर हटाए। वैसे तो 2014 और 2019 में हैदराबाद में कांग्रेस को सिर्फ 50,000 के करीब वोट मिले थे, लेकिन अब 5.5 लाख वोटर हटने से कांग्रेस के 50,000 वोट भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से बोगस वोटर के हटने से हैदराबाद में क्लोज फाइट होगी। इसके अलावा 2023 विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है, पहले सत्ता में नहीं थी, अब कांग्रेस वहां सत्ता में, इसका मतलब उसको वोट पड़ा है। उधर बीजेपी ने भी हैदराबाद में माधवी लता जैसा मजबूत कैंडिडेट उतारा हुआ है। माधवी लता को मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिल रहा कहा जा रहा है, जिससे ओवैसी और तनाव में होंगे। आप माधवी लता को भी देखिए जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। माधवी लता की बातों से लगता ही नहीं कि उन्हें कोई टेंशन है। माधवी लता हैदराबाद में रोड शो निकाल रही है, हवा में धनुष पर तीर चढ़ाकर चलाने की एक्टिंग कर रही है, लोगों से मिल रही है। कल ही माधवी लता ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले माधवी लता ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद कहा कि उनका नामांकन हैदराबाद की जनता के लिए दर्द निवारण की तरह है। हैदराबाद को ओवैसी ने जो दर्द दिए हैं उससे आजादी मिलेगी और कमल की जीत होगी। एक बार सुनिए माधवी लता को, उनके नामांकन फॉर्म से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा भी हुआ है, वो उसके बाद बताता हूँ। मेरा नॉमिनेशन दर्द निवारण है। दर्द देने वाले तो मुहूर्त देके दर्द नहीं दे रहे, तो दर्द निवारण के लिए मैं क्या मुहूर्त ले लूं? जिस दिन भाग्य लक्ष्मी के पास आ गए बस भाग्य से भर गई, ये जो कमल मिल गया उनके पास से तो कमल जीत गए। जब असदुद्दीन खुद के कौम को बर्बादी के ऊपर लेके जाते हुए ये एक बार भी नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जी जो इतनी योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? बताइए, दो टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेके निकल रहे हैं। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए। हैदराबाद में ओवैसी अगर ताकतवर है और पैसे वाले हैं तो माधवी लता भी कुछ कम नहीं। माधवी लता ने नामांकन फॉर्म में जो एफिडेविट लगाया है उससे पता चलता है कि माधवी लता तेलंगाना के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक है। माधवी लता के पास 221 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति है। माधवी लता और उनके पति के पास 165 करोड़ 46 लाख रुपए की चल संपत्ति है और 55 करोड़ 91 लाख रुपए की अचल संपत्ति। माधवी लता ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए अलग अलग कंपनियों में निवेश किए हुए हैं। माधवी लता के पास 3 करोड़ 78 लाख रुपए के सोने के गहने भी हैं। माधवी लता पर करीब 90 लाख रुपए का कर्ज भी है, यह उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में खुद बताया हुआ है। लेकिन पैसा कितना है चुनाव में यह इंपॉर्टेंट नहीं है, वोट कितना है यह इंपॉर्टेंट है, और वो वोट हैदराबाद में किसको पड़ेगा यह जल्द पता चल जाएगा।